रुचि अग्रवाल, मैं मेरा एमटेक पुणे यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ इन द ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव डन माय पीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. और एज दिस द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज लाइक कि बच्चे क्या क्या फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ देयर बोर्ड एग्जाम्स, आई नीड टू शेयर विद यू ऑल. सो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी को एक 30 डेज का प्लान बताने जा रही हूँ जो कि सभी बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा. जितने भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड इस समय दे रहे हैं, दिस वीडियो इज मोस्टली फोकस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो भी बोर्ड्स दे रहे हैं. एंड वी कैन स्टार्ट विद द टाइम टेबल विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई राइट नाउ. एज यू कैन सी हियर, सबसे पहला पेपर इंग्लिश है जो कि 26 फरवरी से चालू हो रहा है, 26th of February, एंड देन हिंदी, साइंस, संस्कृत, मैथ, सोशल स्टडीज एंड कंप्यूटर साइंस. आई होप सभी बच्चों के पास टाइम टेबल तो होगा. मैं टाइम टेबल के ऊपर ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में अगर यदि हम देखें तो 2 दिन का गैप मिलता है, और हिंदी और साइंस के बीच में अगर देखें तो कितने दिन का गैप मिलता है, 3 दिन का गैप मिलता है. देखो इधर फायदा हो रहा है एक लीप ईयर के वजह से. साइंस से संस्कृत के बीच में अगर यदि मैं गैप देखूं तो मेरे को 2 दिन का मिलता है. अगेन विद संस्कृत टू मैथ्स इट इज 4 डेज, मैथ्स टू सोशल साइंस इट इज 5 डेज विच इज ऑसम, एंड देन अगेन इट इज 2 डेज. सो लेट अस फोकस ऑन द टाइम टेबल फर्स्ट. एज इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट विच इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी एज फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. फिर जो बच्चे हिंदी के लिए ऑप्ट करते हैं उनको साइंस पढ़ने के लिए 3 दिन मिल रहे हैं. जो बच्चे हिंदी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनको साइंस पढ़ने के लिए 3 दिन मिल रहे हैं. और कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, 50% आजकल की स्टूडेंट ऐसी है जो कि संस्कृत के लिए ऑप्ट करती है. अगर संस्कृत के लिए ऑप्ट कर रहे हैं मतलब कि साइंस के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, 5 दिन मिल रहे हैं. तो 5 दिन में अच्छा खासा स्कोर कर सकता है साइंस का. एंड साइंस में हमको मिला जुला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है. फिर उसके बाद अगर मैं देखूं साइंस से संस्कृत के बच्चे 2 दिन का गैप मिल रहा है, संस्कृत टू मैथ्स अगेन 4 डेज का गैप. फिर से वही, जो संस्कृत नहीं है जो हिंदी वाले हैं उनको मैथ्स में फायदा हो रहा है, तो अल्टीमेट. और जो हिंदी ले रहे हैं उनको मैथ्स में फायदा हो रहा है, तो मैथ्स में एक 6 दिन का गैप मिल रहा है विच इज एन ऑसम. क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 15 चैप्टर्स होता है मैथ्स में अगर, और 15 चैप्टर्स में से छोटे मोटे चैप्टर हटा दूं तो 12 चैप्टर बचते हैं. तो एक दिन में अगर यदि 3 चैप्टर भी करें तो आपके पास रिविजन के लिए बहुत सारा टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम. एंड देन अगेन मैथ्स टू सोशल साइंस देर इज 5 डेज ऑफ गैप. 5 डेज ऑफ गैप इज लाइक फॉर सोशल साइंस इट इज ऑसम. देन फ्रॉम सोशल साइंस टू कंप्यूटर साइंस, दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज ऑप्टेड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स. सभी स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं ऐसा जरूरी नहीं. तो टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है. 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मैं आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट अबाउट द 30 डेज प्लान. 30 डेज में 5 सब्जेक्ट कैसे कवर करने. और आई होप कि सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि एज कंपेयर कि अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा टाइम टेबल सेट करा है. क्योंकि गैप्स अगर पेपर में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है साइंस. अगर मैं इंग्लिश हिंदी को छोड़ दूं ऊपर से तो साइंस बचता है. तो साइंस इज लाइक एनीवेयर अराउंड मिनिमम हमको 3 दिन का गैप मिल रहा है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं, तो हम पेपर तो अच्छे से फोड़ सकते. फिर उसके बाद संस्कृत मिलता है, संस्कृत एंड मैथ्स. मैथ्स में मिनिमम 4 डेज का गैप, अगेन द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच आई कैन से. तो 4 डेज का गैप इज सफिशियंट फॉर इवन दो द संस्कृत स्टूडेंट्स, तो इट्स ऑसम. देन सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि सबको देना है. तो तीन मेन सब्जेक्ट है जो कि साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज, जिसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन की छुट्टी बोर्ड ने प्रोवाइड की है. तो यहां पर ही हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है. तो एज पर माय एक्सपीरियंस जो कि मैं इतने सालों से लेती आ रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि अगर टाइम टेबल के अनुसार जाएंगे तो ज्यादा बेटर है. एज द टाइम टेबल इज बीन पब्लिश, तो सीबीएसई टाइम टेबल जल्दी इसीलिए पब्लिश करती है. तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट लास्ट में है उसकी पढ़ाई सबसे पहले करेंगे. सो हम नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं कैसे. कंप्यूटर साइंस सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर सोशल साइंस, फिर मैथ्स रिवाइज करेंगे, फिर संस्कृत, साइंस एंड देन इंग्लिश. तो जब तक हम इंग्लिश रिवाइज करेंगे जब तक हमारी ऑलमोस्ट वी विल बी अराउंड 26th of February के अराउंड हम लोग रिविजन करेंगे. क्योंकि अब देखिए 30 डेज में प्लान करना है, तो 30 डेज डिवाइडेड बाय 5, सो वी हैव 6 डेज
for each subject. So this is something good. अगर सभी सब्जेक्ट्स के लिए छह दिन मिल रहे हैं रिवाइज करने के लिए, तो हम आराम से रिवीजन प्लान आराम से बना सकते हैं. तो 30 दिन में, और जो बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं है वो भी बच्चे इधर पढ़ सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि 6 days फॉर इंग्लिश एंड हिंदी इज मोर. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश को निग्लेक्ट करना है. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग है, आपको 95+ दिला करके ही जाएगा, 95+ दिला करके जाएगा, पर इग्नोर करके नहीं. उसके लिए अगर अपन ने 4 दिन भी दिए तो बहुत हो गया. सेम विद हिंदी और संस्कृत. सो अल्टीमेटली यू आर सेविंग योर 4 days एंड वो 4 दिन आप मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हो. सो लेट्स सी कि सबसे पहले बात तो सभी स्कूलों में प्री बोर्ड्स होते हैं. तो प्री बोर्ड्स में मतलब किसी स्कूलों में 2-2 बार प्री बोर्ड्स होते हैं, किसी में 1 ही बार प्री बोर्ड्स होता है. तो प्री बोर्ड्स में बच्चों की ना तैयारी नहीं होती है पूरी, सिंस क्योंकि सिलेबस केवल दिसंबर में ही खत्म हुआ रहता है एंड जनवरी में वो लोग प्री बोर्ड ले लेते हैं, तो बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. प्री बोर्ड के मार्क्स और बोर्ड के मार्क्स को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते. सो जो भी आपके प्री बोर्ड में मार्क्स आए हैं इट्स ओके. आप प्री बोर्ड में जो भी आपने दिया, जितना आपने पढ़ा था, उसके हिसाब से जज करिए कि कितने परसेंटेज आपको उसमें से मिले हैं, नॉट कि आप जो नहीं पढ़ के गए थे. तो टोटल परसेंटेज तो कम ही आने वाला है प्री बोर्ड्स में. तो प्री बोर्ड्स तो इट्स लाइक जस्ट कि आपको फीलिंग देने के लिए बने रहते हैं कि बोर्ड्स कैसे होते हैं. और प्री बोर्ड में जो पेपर होता है वो काफी टफ लेवल का सेट किया जाता है एज कम्पेयर टू अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो, क्योंकि बोर्ड्स में तो भैया सभी बच्चों को पास करना होता है. उनको अगर सभी बच्चों को पास करना है तो उनको केवल टॉपर्स या क्रीम लेवल की चीजों को देख करके नहीं चलेगा. तो उन लोगों को सभी बच्चों के बारे में सोचना है, एंड सभी बच्चों के बारे में सोचना है तो द पेपर, द लेवल ऑफ पेपर विल बी लिटिल इजी, नॉट दैट मच हार्ड एंड नॉट दैट टू इजी, बट मीडियम तरीके का पेपर होता है जिसमें कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर वेल प्लान्ड तरीके से पढ़ें. तो इसीलिए प्री बोर्ड के मार्क्स को ज्यादा फोकस ना करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ताकि अच्छे से कम दिनों के अंदर बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट ला पाए. तो सेकेंड पॉइंट में बात करना चाहूंगी कि अगर फ्रूटफुल रिजल्ट लाना है तो पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है. पढ़ना तो है ठीक है, मालूम पड़ गया 6 दिन में पढ़ सकते हैं, 6 दिन में क्या क्या करेंगे, लेकिन बहुत कुछ तो कर नहीं सकते. अगर साल भर में कुछ करेंगे नहीं तो 6 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. तो 6 दिनों में वो साल भर की पढ़ाई करनी कहां से है. तो सबसे बड़ी बात कि अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो वो लोग एनसीईआरटी के ऊपर ही पूरा फोकस रहते हैं. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत, सोशल स्टडीज एंड कंप्यूटर साइंस, टोटली द पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी. पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से होता है. एनसीईआरटी को पूरा अच्छे तरीके से रट लो तो पूरे के पूरे पेपर 100/100 के साथ निकल जाएंगे. अगर केवल बचता है मैथ्स में थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं, दैट इज 80-20% का रेशियो होता है. 80% इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड 20% बाहर से दे देते हैं. तो जिन बच्चों ने आरडी लगा रखी है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने आरडी नहीं लगा रखी है तो वो चिंता ना करें, वो 80% मार्क्स के बारे में ज्यादा सोचें पहले, क्योंकि भैया पास तो पहले होना है. और अबव 80-85 आपके आराम से आ जाएंगे. और मैं आपको 100 की ट्रिक भी बता सकती हूँ कि विदाउट आरडी शर्मा भी हम लोग 100 ला सकते हैं. तो जिन बच्चों ने आरडी कर रखी है खैर उनके पास तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, पर लेकिन जिन्होंने आरडी नहीं करी है वो इस मोमेंट पर आरडी करने की सोचेगा. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पढ़ना है तो के साथ और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स ऐसे हैं कि अगर आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हर एक सब्जेक्ट के कर लिए हैं और एनसीईआरटी आपको अच्छे से आती है तो भैया आप पेपर फाड़ सकते हो. तो उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. अगर बात करूं इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इंग्लिश में अगर यदि जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर रखे हैं और इसी को रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना है. लिटरेचर हमारा बहुत पार्ट कंसिस्ट करता है, वो लिटरेचर में उतना ही आने वाला है, उसके बाहर एनसीईआरटी से बाहर लिटरेचर में कुछ नहीं आने वाला है. और वो रिवाइज करने के लिए मेरे ख्याल से 4 दिन बहुत सफिशियंट है. और जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी रिवाइज कर सकते हैं और पूरी की पूरी बुक पढ़ते ना बैठे, गाइड वगैरह से पढ़ें. ऑल इन वन एक अच्छी गाइड है जो कि सभी बारे में बता देती है. तो दैट इज गुड फॉर इंग्लिश, और इंग्लिश को इग्नोर ना करें. फिर मैं बात करती हूँ साइंस की. तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है. क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से उठ करके आ जाते हैं. फिजिक्स में एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, बाकी पूरा का पूरा पेपर साइंस का एनसीईआरटी से होता है. तो 80/80 लाना भी साइंस में मुश्किल नहीं है.
सेम विद सोशल स्टडीज. सोशल स्टडीज में हिस्ट्री की बुक, सिविक्स की बुक उठा लेंगे तो इन क्वेश्चन बैक क्वेश्चन पूरे कर लिए अच्छे से, पूरा थरो है, एनसीईआरटी थरो है, तो कोई भी गाइड उठाने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेना तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए उसके बाद तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो. सेम विद जो मैं मैथ्स का बता रही थी, अगर यदि 20 जिन बच्चों ने आरडी नहीं कर रखी है, अगर यदि वो एनसीईआरटी के साथ 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें तो 100 on 100 भी स्कोर करने की सोच सकते हैं. एटलीस्ट 95+ तो उनके किधर भी नहीं गए. तो मैं इसी के साथ ये वीडियो इधर स्टॉप करना चाहती हूँ. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगी. एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.